वेलकम बैक इन जिंगल किड प्री स्कूल समर कैंप। आज हमारे समर कैंप का सेकेंड डे है। कल का वीडियो आपने देखा ही होगा। आज भी हमने बच्चों को सबसे पहले योगा कराया, का शुरुआत किया ओम का उच्चारण से, जहाँ पे बच्चों ने 3 बार ओम का उच्चारण किया। उसके बाद आंखों की सिकाई, क्योंकि ये आंखों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। उसके बाद बच्चों ने हाथों और पैरों का जो सूक्ष्म अभ्यास होता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की बढ़ती है, वो बच्चों ने बहुत ही अच्छे से किया। इसके साथ साथ जब बच्चे करते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं, तो वो सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर रहे थे। वृक्षासन उन्होंने किया, इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ और फिर आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, जिसमें बच्चों ने टॉय कैट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। तो आइए सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। योग स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमने बच्चों से ओम का 3 बार उच्चारण कराया, क्योंकि जब भी हमें ओम का उच्चारण करना होता है तो उससे पहले हम एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और फिर आ उ और माँ का उच्चारण हम करते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होनी भी शुरू हो जाती है। 3 बार उच्चारण के बाद बच्चों ने हाथों को आपस में रगड़ के अपने आँखों की सिकाई की, जिससे आँखों से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो दूर होती हैं और आँखों की रोशनी बढ़ती है। इससे उसके बाद अच्छे से कंधों को चला लेते हैं, फिर हाथों को अगल बगल से खोल के अच्छे से हाथों का एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस तरीके से हम अभी सूक्ष्म अभ्यास सबसे पहले बच्चों को कराते हैं, जिससे उनकी बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बने और किसी भी तरीके से उनके बॉडी में मोच ना आए। तितली आसन, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये कमर और पैरों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली हम इसको बच्चों से बहुत बढ़िया से करा पाते हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और हम अपने समर कैंप में स्पेशली योगा पे बहुत फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर हम उनको इस समर कैंप में थोड़ी भी हैबिट योगा का लगा पाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इससे उन्हें एडवांटेज हुआ, उनकी बॉडी हल्की फील हुई या फिर उन्होंने इस चीज़ को इंजॉय किया, तो हम डैम श्योर हैं कि समर कैंप के बाद भी वो डेली मॉर्निंग में अपना रूटीन बनाएंगे। यहाँ पे बच्चे आँखों का एक्सरसाइज करते हैं, आँखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपर आँखों को हम सर्कुलेट करते हैं, जिससे हमारे जो रेटिना कार्निया से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो नहीं होते कभी, और चश्मे भी लगे होते हैं तो अगर हम प्रॉपर करते हैं और एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट को अगर हम फॉलो करते हैं डेली, तो फिर आँखों से रिलेटेड बहुत अच्छा रहता है। गर्दन का अभ्यास, गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपर हम करते हैं। स्पेशली इसमें ये ध्यान रखना होता है कि बच्चे जब भी ये करें हम उनको गाइड करें कि वो लंबी गहरी सांस भरकर ही किसी तरफ अपने गर्दन को मूव करें। जब लंबी गहरी सांस गर्दन में भरी होती है तो गर्दन में मोच नहीं आती, इसीलिए जब भी गर्दन का अभ्यास कराएं बच्चों से तो उनको बोले कि वो पहले लंबी गहरी सांस भर लें, उसके बाद अपने गर्दन को गोल गोल घुमाएं। जो भी एक्सरसाइज अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको फ्रंट पे बुलाइए, और फिर अगर हम उनसे कुछ एक्सरसाइज करवा के लेते हैं, अगर वो सबके फ्रंट में करते हैं तो मोटिवेट होते हैं। अब हम करा रहे हैं वृक्षासन, ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि जब हम अपने बॉडी को बैलेंस करके एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो हमारा पूरा फोकस अपने पैर पर अपने बॉडी पर होता है। उसके बाद हमने पीटी कराया बच्चों से, ये स्पेशली करने से बच्चे बहुत इन्जॉयमेंट फील करते हैं और पूरी, और जब वो कूदते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज मोस्टली अगर बच्चे एज कम है और बच्चे हेल्दी हैं तो अगर हम उनको एक्सरसाइज कुछ ऐसे कराते हैं जिसमें उनको कूदना है तो बहुत अच्छा रहता है उनके। अब आगे बच्चों को करना है भस्त्रिका,
इसमें लंबी गहरी सांस आराम से भरनी होती है और लंबी गहरी सांस आराम से छोड़नी होती है। आंख बंद करके अपना पूरा फोकस अपनी आती और जाती हुई सांसों पे लगाते हैं बच्चे, जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है और बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हमने आज बच्चों से कराया, हर बच्चे को ये हमारा टारगेट रहेगा कि हर दिन योगा के बाद सारे बच्चे सामने आए और अपने बारे में सबके फ्रंट में आके बोले। गुड मॉर्निंग, आज हमारे स्कूल में समर कैंप सेकेंड डे है, तो आज हम बच्चों से टॉय कैट सिखाने वाले हैं। तो उसमें लगेगा ब्लैक पेपर, कॉटन, आईज, मूंछ, ईयर्स और जो सबसे है ग्लू। आज हम सिखाने वाले हैं टॉय कैट। सारे एक्टिविटीज़ के बाद बच्चों ने साथ में बैठ के टीचर्स के साथ लंच किया, क्योंकि बच्चे सुबह आते हैं तो कुछ खाए रहते हैं, कुछ नहीं खाए रहते हैं, और दो घंटे का डिस्टेंस हो जाता है और फिर पेरेंट्स आते हैं उनको लेके जाते हैं, तो इस दौरान बच्चे भूखे ना रहें। तो उनके एक्टिविटी के बाद वो सब बैठ के साथ में लंच करते हैं और फिर पेरेंट्स आने के बाद पेरेंट्स के साथ घर जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल हमारे समर कैंप का तीसरा दिन है और कल और सारी एक्टिविटीज़ होंगी और हर दिन के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।